चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। द ग्राफ बिटवीन द रेजिस्टिव फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज शोन इन द फिगर। द मास ऑफ द बॉडी इज 25 किलोग्राम एंड इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। व्हेन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज 5 मीटर द काइनेटिक एनर्जी वुड बी। देखो ऑब्जेक्ट जो है, ये जो ग्राफ दिया गया है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है और बोल रहा है कि रेजिस्टिव फोर्स है यानी रोकने वाला फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स है, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड। मास ऑब्जेक्ट का दिया हुआ है 25 किलोग्राम। और अगर ऑब्जेक्ट मान लो ये एम मास का ऑब्जेक्ट है 25 किलोग्राम का, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, और वो कितनी होगी, 1/2 इंटू एम की वैल्यू 25 इंटू 2 का स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, 4/2 2 हो जाएगा, 2 इंटू 25 50 जूल आ जाएगा। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 50 जूल जब ये ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जर्व करना आपने शुरू किया, मान लो ए पॉइंट पे है, और फोर्स आपने लगाया अपोजिट डायरेक्शन में, रिटार्डिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इंटेंशन ऑफ मोशन यानी मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि व्हेन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर ऑब्जेक्ट चलने के बाद काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो देखो ध्यान से सुनना, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, उस पर रिटार्डिंग फोर्स क्या कर रहा है, उसकी स्पीड को कम कर रहा है। तो वर्क डन जो आपका, आप कैलकुलेट करोगे वर्क डन बाय रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी उसमें वही काइनेटिक एनर्जी वेस्ट हो रही है रिटार्डिंग फोर्स की वजह से, उसकी एनर्जी लूज कर रहा है वो, और जो बच रहा है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बन जा रही है। तो आप ध्यान से देखो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, के इनिशियल माइनस वर्क डन बाय रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है। जैसे अज्यूम करो 100 जूल की एनर्जी थी, ठीक है, 20 जूल वेस्ट हो गई रिटार्डिंग फोर्स की वजह से, हीट के फॉर्म में बर्बाद हो गई रिटार्डिंग फोर्स की वजह से, या किसी और फॉर्म में बर्बाद हो गई, वेस्ट हो गई, ठीक है। और जो बची वो कितनी है, 80, तो ये 80 है फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल थी 100, तो वेस्ट कितनी हुई, 20, ठीक है। तो वही चीज आपको यहां पर यूज करना है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, 50 है, और वर्क डन कितना होगा, ये जो वर्क डन है फोर्स की वजह से, ये जो वर्क डन रिटार्डिंग फोर्स की वजह से, इसका एरिया कितना होगा, वर्क डन 1.2 बेस इनटू हाइट, बेस कितना है 4 मीटर और हाइट कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कटा 2 और 4 और ये 40 आ जाएगा। वर्क डन कितना होगा रिटार्डिंग फोर्स की वजह से, 40 जूल। तो ये जो वर्क डन है ये 40 जूल का है, तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हुई कितनी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई के फाइनल इज इक्वल टू हो गया 10 जूल। कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट है, डी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये फॉर्मूला याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी सी चीज है लेकिन काम किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।